वीडियो बना लाग रहा हूँ। आगे जा भाई, आगे जा, आगे जा, बोल तो भी रहे भाई। तो आइए हम आपको घुमाते हैं पूरा सोनप्रिया हमारे साथ। नेक्स्ट व्लॉग कल सुबह स्टार्ट होगा लेकिन हमारे को जल्दी, हम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हम आपको घुमाते हैं। दिवाली की तरह पूरा सजा दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हो आप भैया। दिवाली आ रही है यहाँ पे, पूरे चारों तरफ होटल ही होटल है, होटल बम और पटाखे। बाहर रुकने की किसी की बस की नहीं है, इसलिए अंदर ही रहो, रूम बुक करो। देखो गाइस, सब्जी खरीदने खरीद पूछ पाओ भाव कुछ एप्पल। भैया केला कैसे? 80 रुपए दर्जन। ले 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 ले, 80 रुपए दर्जन। सही है, 80 रुपए दर्जन गाइस केला मिल रहा है यहाँ पे। और एक दुकान से हमने पूछा है, वहाँ 50 रुपए का एक केला बताया। 30 रुपए का एक केला, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। एप्पल लेना 50 रुपए का एप्पल। सो हेलो गाइस, हम सुबह उठ के तैयार होके निकल चुके हैं ट्रेकिंग के लिए। हमारे यहाँ से ट्रेकिंग है अभी, तो गाड़ी मिल जाए तो हमको गौरी टिकंड तक छोड़ देगी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। फिर हम आगे तक पैदल ही वॉक करते हुए आगे तक जाएंगे। वैसे अभी अंधेरा हो रहा है, हम 3 बजे निकल चुके हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है, बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश हो जाता है भाई। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, गौरीकुंड तक आ चुके हैं हम। गौरीकुंड में आके यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, सभी रुके हुए हैं और सब ने छड़ी ले ली है भाई, किसी की हालत नहीं थी छड़ने की। तो अब छड़ते हैं, देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा इसमें, हालत ख़राब होगी क्या होगा, पर छड़ेंगे। बाकी अभी तक अंधेरा ही है, हम अंधेरे के अंदर ही पहुँच गए यहाँ पर। पानी की आवाज आ रही है पीछे से, पानी का फ्लो आज मुझे लगता है बहुत तेज है। तो दोस्तों यहाँ रुके हैं थोड़ी देर, उजाला थोड़ा बहुत होने लगा है, सभी थक चुके हैं। सूरज गर्मी वर्मी कैसी लग रही है? बाप का मेरे को गर्मी लग रही है। राहुल भाई गर्मी लग रही है फिर सर्दी? वैसे हवा तो ठंडी चल रही है ना यहाँ पे। भाई लोग खच्चर से चढ़ रहे हैं पर अपन तो पैदल ही चलेंगे। भीड़ बहुत है भाई यार, ये देखो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है। अभी जैसे उजाला होगा तो फिर देखना व्यू, व्यू बहुत सेक्सी व्यू आएगा भाई। गुटखा खाने का असर देख लो, इससे इस मंगस्ते से छड़े नहीं जा रहा। ये बोल रहा कल तक पहुंच जाएंगे आराम से, लेकिन आराम से चलो। क्यों राहुल भाई, अपन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कंटिन्यू चलो। सूरज की ज्यादा हालत खराब हो रही है, ये ब्लॉग बनाने वाला ही फेल हो रहा है, ये खुद ही रुक जाता है थोड़ी। नहीं नहीं, मेरी हालत तो बिल्कुल सही है देखो। यार लेकिन वजन भी तो कितना कैरी कर रहे हम, ये मान लो एक छोटा बच्चा हम भी ऊपर लेके जा रहे हैं, उसके जितना तो वजन है ही। और राहुल भाई थके हैं या फिर नहीं? चलना है मनोज भाई, थक रहे हो या फिर चलोगे? और तुमको तो यार हेलीकॉप्टर बुक करना चाहिए था, कोई बात नहीं है। यहाँ जाना है ऊपर लेकिन जाएंगे यार। रुके थोड़ी देर, पीछे हिमालय दिख रहा है शायद आपको, दिख रहा हो वो। थोड़ी देर रुक गया, रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और बैग को, एक बैग को इसी में शिफ्ट कर लिया यार, ज़्यादा बैग हो रहा था। ये राहुल है ना, ये दो बैग लेके आया, बोला मेरा सामान नहीं माता। हम सबका एक एक बैग में सामान मांगे, ये से बोला बोले मेरे बैग में सामान नहीं माता। ट्रैकिंग की जगह दो बैग लेके आ रहे हैं। बाकी व्यू देखो आप। सभी चल रहे हैं बैग एक्सचेंज करके,
चलते जाओ चलते जाओ, व्यू का मजा लेते जाओ। नीचे मंदाकिनी रिवर, बहुत ठंड बहुत तेज है वैसे, ऊपर तो फिर और भी ज्यादा ठंड होगी, जबकि यहीं पे इतनी ठंड है। सीधा रास्ता जा उधर पहाड़ों में हिमालय, जब भी बीच में थक जाओ तो ऐसे नजारे देखो, थकान दूर करो। वहां जाना है गाइस, यहाँ देख सकते हो खाई आ गई बिल्कुल, यहाँ से गिर गए तो जान भी जा सकती है, समझे। श्री केदारनाथ धाम यात्रा, यहाँ पे खच्चर घोड़ों को नाश्ता कराया जा रहा है, इनका नाश्ता यहाँ होता है। चलते जाओ, सीधा ट्रैक हो तो हर कोई चल ले, लेकिन ये सीढ़ी आती है ना तो दिक्कत आ जाती है। पानी वानी के पीने के लिए भर सकते हो हिमालयन वाटर। अभी सीधा रास्ता है यहाँ पर, हम जल्दी ट्रैक कर लेंगे, लेकिन जब सीढ़ी आती है, सीढ़ियाँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ भी सीढ़ियाँ, गाइस वाटरफॉल देखो कितना शानदार व्यू है, आपको जूम करके दिखता हूँ। हेलो गाइस, यहाँ बारिश आ चुकी है, तो हमारा रेनकोट देखो, जब्बा बना दी बिल्कुल जब्बा, और इसको देखो ये तोता, और वो क्या लग रहा है, ठेली, जब्बा जब्बा जब्बा, और गुलाल, ये गुलाल कलर है भाई, अलग अलग डिफरेंट कलर है, पर्पल इज द बेस्ट। कैसे लग रहा हूँ मैं गाइस? बारिश का मौसम हो चुका है और हमने रेनकोट पहन लिया बिल्कुल। देखो भैया, ये केदारनाथ में आए और ये लड़ने लग गए, थोड़ा उधम उधम करने लग गए। लड़ लो लड़ लो तुम। वो है ना क्या नाम जी, अरु वो भाला फेंका था, जिसमें जो भाला फेंको वहां तक जाना चाहिए, भाला तो नहीं, ये बांस फेंक देते। रास्ते से जा रहे थे तो बीच में दिखा वाटरफॉल, बहुत ही शानदार व्यू है इसका। दोनों राहुल भाई और मैं दोनों ऊपर आ गए, बाकी सब तो नीचे बोल रहे हम थक गए, लेकिन हम नहीं थकते, हमें ऐसे सीन देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार वाटरफॉल है, मजा आ गया। इन नज़ारों के लिए तो हम उत्तराखंड आए। बहुत ठंडा हो, बहुत ठंड है, हिमालयन वाटर, हिमालयन वाटर, बहुत ठंडा पानी है, इसमें कोई नहा नहीं सकता, नहा गया उसको 25,000 रुपये इनाम।
देखो कबड्डी खेलते खेलते चल रहा है ये इनकी भाई। और सामने उधर है केदारनाथ, हमको यहाँ से ट्रैक करके चढ़ के जाना होगा। रास्ता इधर से भी है लेकिन हमने इधर का ज़्यादा सही समझा। इधर होटल भी है तो कोई खाना वाना खाएंगे रुक के। चलते देखते हैं, वैसे खाना यहाँ महंगा ही मिलेगा, सस्ता खाना तो यहाँ मिलेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। यहाँ पे अभी पीछे पूछा था तो 30 रुपये का एक समोसा था, जो आगे आके 60 रुपये का एक हो गया। तो महंगाई ऐसे बढ़ती जाती है यहाँ पे, एक गांव से दूसरे गांव। जैसे हम अभी रामबाड़ा में, बाकी नज़ारा देखो आप यहाँ का, क्या नज़ारा है। गाइस 3 बजे निकले थे होटल से, लेकिन अभी बज रहे हैं 11:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे, अभी भी आधे रास्ते में ही हैं। भयंकर चढ़ाई है, देख कैमरा से देखा ग्लेशियर भाई। यहाँ से खाई देखो, यहाँ से अगर कोई गिरा, यहाँ से अगर हल्का सा नीचे गिरा, पाँव फिसला, भाई सीधा ख़त्म है यार। एक कचरा बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे, इसी जगह कचरा यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारत में कुछ ही तो जगह है साफ सुथरी, इसको भी गंदा कर देते लोग। बाकी मैं आपको व्यू दिखाने के लिए आया, इधर नदी जा रही है मंदाकिनी, ये सीधी सोनप्रयाग तक जाती है, इसको पकड़ के सीधा केदारनाथ आते हैं लोग। बस भाई चलते चलते दोपहर हो गई, 1 ही बजने वाला है, लेकिन अभी तक भी रास्ता कवर नहीं हुआ पूरा, और अभी भी ऐसे लग रहा है बहुत दूर है। अभी भी 6 किलोमीटर बच रहा है केदारनाथ, क्या पता कितना किलोमीटर दूर है। और हमारे 3 बंदे वो आगे निकल गए, वो भी नहीं मिल रहे। ले भाई इसमें भेजाओ को लोकेशन चेक कर, 982806। और आप ग्लेशियर देखो कितना प्यारा है। अभी भी यहाँ पे देखो ये पहाड़, मुझे कैलाश मानसरोवर की तरह लग रहा है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। वहाँ भी चलेंगे अभी। गाइस पूरा मौसम खराब हो चुका है, बारिश आई जा रही, रुक ही नहीं रही है बारिश। ये देखो ये ग्लेशियर वही है जो भी 3 तारीख को गिर गया था, जिसके कारण केदारनाथ यात्रा 5-6 दिन के लिए बंद कर दी गई। ये ऊपर से आ रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैक करना है भाई। देखो आगे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, बारिश हुए जा रही है। हमारा प्लान था केदारनाथ में रुकने का, पर शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। ग्लेशियर देखिए,
ये व्यू है यहाँ का मौसम। ये बड़ा बर्फ के ऊपर खड़े हैं, मैं पहाड़ में भी आऊंगा। बहुत तगड़ी सर्दी हो रही है, हाथ ऐसे हो गए भाई, हाथ बिल्कुल जाम हो रहे, काम ही नहीं कर रहे। ब्लॉग भी क्या पता हम कैसे बना रहे हैं, फोन ही हम बार बार निकाल ही नहीं रहे। राहुल भाई ने बोला ब्लॉग तो बनाओ यार, ब्लॉग तो कंटिन्यू करना ही है। बोला चलो ठीक है, ब्लॉग व्यू देखो आप, हिमालय रेंज ऊपर तो और भी ज़्यादा बारिश आ रही होगी इस टाइम पे। भाई ये ट्रैक जितना इजी लगता है उतना है नहीं। मैं तो ये खेलना चाहता हूँ भाई, लोगों आप कभी भी बताना यहाँ पे, सीधी सी बात है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बस लोगों को बताया जाता है 18 किलोमीटर पर ऐसा है नहीं। गौरीकुंड से केदारनाथ 22 किलोमीटर है, ये तो यात्रियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको 18 किलोमीटर का बताया जाता है। बाकी व्यू देखो आप, यहाँ से पूरी खाई है, यहाँ से आगे बढ़े मौत। ये देखो भाई क्या व्यू, ये देखो हिमगिरी, पूरे हिमालय। हमें ये कुत्ते मिल चुके हैं, ये यहाँ पर टेंट के अंदर तंबू में क्या कर रहे हैं पता नहीं। और भाई मौसम का तो ये है ऐसा ऐसी। और ये हमारे सूरज भैया, ये देखो पहाड़ हिमालय की गोद में, शानदार व्यू एक नंबर। यहाँ कुछ ऐसा सीन है कि बस जन्नत का तो मज़ा है, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है यहाँ आने बहुत बुरी। और ये देखिए मेरे पीछे का व्यू कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यू है। इधर का भी देखिए, ये नज़ारा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा गाइस, बार बार मैं ऐसे नज़ारे आ जा रहा हूँ। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं कितनी वीडियो कैप्चर करूँ, क्योंकि यहाँ तो हर नज़ारा देखने लायक है यार। मैं तो आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ, वीडियो में इतना आपको मज़ा नहीं आएगा जितना आपको रियल में देखने में आएगा।